बॉडी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमारी कंज्यूम होती है ब्रेन के लिए। तो अगर आप चेस खेल रहे हो तो 1 घंटे में आप 132 कैलोरीज बर्न करोगे, और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो एक टूर्नामेंट में एक दिन में 6,000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। आपने कोई भी मोटा चेस प्लेयर नहीं देखा होगा लाइफ में। तो आज आपको दिखाते हैं चेस की मेकिंग, जो शतरंज होती है वो लकड़ से कैसे बनाई जाती है, उस लकड़ को कैसे कन्वर्ट कर जाता है, इस वीडियो की देखते हैं मेकिंग चेस की मेगा फैक्ट्री। सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है इन लकड़ियों से। तो बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है और लाके यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया जाता है। अब जा रहे हैं ये मशीन के ऊपर, 40 किलो से भी ज़्यादा का वेट होगा इसमें। अभी यहाँ पर लगाया गया बड़ा सा लक्कड़, इसमें थोड़ा सा मशीन में लगाया गया ऑयल, काफ़ी ज़्यादा वेटेड है तो भैया ने मेरे को थोड़ा दूर रहने के लिए बोला हुआ है। थोड़े छोटे अब वो अपने हिसाब से तो हमारे लकड़ कट चुके हैं और अभी कटने के जो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए भैया अभी ये कटे हुए पार्ट्स दूसरी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पर अब इनकी और ज़्यादा कटिंग होगी। तो जैसा अभी आपने देखा हमारे बड़े से लकड़ को छोटे छोटे पार्टों में ऐसे में काट दिया गया। अब आती है ये दूसरे प्रोसेस पे, यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटी जाती है। ये देखिए अभी छोटे छोटे टुकड़े थे लकड़ी के, अब उनको अपने साइज के हिसाब से यहाँ पर सेट किया जाता है। ये देखिए मशीन यहाँ पर ऐसी सेट होती है और उसके बाद फिर उस पर कटिंग होती है प्रॉपर। ये देखिए ये हमारा जो पासा होता है उसका इसी के साथ फिनिशिंग करके बनाया जाता है। दोबारा से अब इसकी जो किनारियां हैं उनको काटा जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है, चारों तरफ से जो भी चौखुंटा है वो उसको निकाल दिया गया है। ऊपर से इसको कस दिया जाता है और लकड़ी हमारी यहाँ लग गई है, बहुत टाइट करके कसा जाता है और इस मशीन को कर दिया गया चालू, फंसा दिया गया। ये देखिए ये डिज़ाइन जा रही है। इनके धार वाले औजार हैं उनको इस तरीके से काटा जा रहा है। देखिए बहुत ही यूनिक है। ओ भाई ये हाथ से देखिए रेगमाल लगाया जा रहा है। तो रानी बनके तैयार हो गई है और ये देखिए फिनिशिंग होने के बाद कितना अच्छी लग रही है। तो अभी हमारा तीसरा पासा बन रहा है जिसको बोलते हैं घोड़ा। और घोड़े को बनाने का प्रोसेस दो तरीके का होता है। अभी यहाँ पर आधा प्रोसेस होगा, आधा प्रोसेस हाथ से होगा। घोड़े का जो हाफ डन पार्ट है वो ऐसा हो गया है, अभी ये दूसरे प्रोसेस के लिए जाएगा, देन उसके बाद इसकी फिनिशिंग करके ऐसा बन जाएगा ये। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके की हो जाती है, अभी इनको पॉलिशिंग वगैरह करा जाएगा। तो यहाँ बन रहा है हमारा हाथी।
तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस पासे को बोलते हैं राजा, और राजा के ऊपर एक छोटा सा मुकुट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया हमारा मुकुट बनना स्टार्ट। हमारा तो ये देखिए, आपने ऊपर से वो निकाल दिया, देन उसके बाद अभी जो बनाया भैया ने वो लगा के दिखा रहे हैं। तो भाई हमारे जो घोड़े थे अभी आपको मैंने दिखाया है, कुछ इस तरीके के लगने लग गए, और अब आ गए हैं वो हाथ वाली मशीन के पास। अब यहाँ हाथ से इनको फिनिशिंग दी जाएगी, घोड़ों की जो एक्चुअल शेप है वो लाई जाएगी। घोड़ों को फाइनल टच दे रहे हैं, ये देखिए सारा का सारा हाथ से ही होता है, ये देखिए प्रॉपर तरीके से उसको। भाई फाइनल टच होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा, जैसे इसमें अभी पॉलिशिंग होगी देन उसके बाद फाइनल टचअप होगा। और अभी यहाँ पर इनकी रेगमालिंग हो रही है, थोड़ा बहुत जो रेगमाल मारना होता है, उसके बाद फिर पॉलिश होगी इसके ऊपर। कुछ इस तरीके से चुन दिए जाते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर ये देखिए भैया कलर कर रहे हैं इनके अंदर। अभी जो हमारे पास हैं उनके नीचे टैग लगाया जा रहा है, और ये फेविकॉल से चिपकाते हैं इसके ऊपर। अभी बात हो रही है सिर्फ फाइनलाइज की, तो यहाँ पर एक भैया हैं जिनको ये सारा कुछ फाइनल करना होता है। जब पैकेजिंग होती है उससे पहले एक बार सारे पासे चेक होते हैं, ये देखिए। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, ये देखिए ये इस तरीके के बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जितने भी पासे होते हैं उनको काउंट करके इस तरीके से देखिए प्रॉपर चेक होता है, और इस तरीके से रखे जाते हैं। देन उसके बाद देखो सामने भैया पैकिंग कर रहे हैं। कलर की बात करूँ तो हर एक कलर के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और कुछ इस तरीके से लगते हैं कलरफुल हमारे शतरंज के पासे। अब बात आती है बोर्ड की। जो बोर्ड आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से नॉर्मली तरीके से नहीं बनाया जाता, इसको भी बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो ये आप ऊपर से जो खाने देख रहे हो उनको बनाने के लिए अलग अलग तरीके की कार्डबोर्ड लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी प्रोसेसिंग भी काफ़ी लंबी होती है। तो बात करते हैं हम अपने शतरंज गेम के प्रॉपर इस बोर्ड की और पासों की, तो वो बनने के बाद कुछ इस तरीके के लगने लग जाते हैं, ये देखिए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग है 1962 का है, मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था ये। दुनिया के जो सबसे एक्सक्लूसिव चेस या बड़े बड़े टूर्नामेंट या चैंपियनशिप्स होती हैं, उसके चेस डिज़ाइन सारे यहीं पे होते हैं, यहीं से बन के जाते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, US, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह हमारे जाते हैं। मेरी फर्म का नाम है द चेस एम्पायर, मेरा एड्रेस है 3248 ढपई रोड अमृतसर, और मेरी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, द चेस एम्पायर .com।